हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्ट स्किल्स। आज के दौर में सफल करियर के लिए सिर्फ हार्ड स्किल्स ही नहीं, सॉफ्ट स्किल्स भी महत्वपूर्ण हैं। क्या है सॉफ्ट स्किल्स? तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए कौन सी सॉफ्ट स्किल्स खुद में डेवलप करनी चाहिए, इसके विषय में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स वस्तुतः व्यक्तित्व का वह पहलू है जो दूसरों के साथ सामंजस्य बैठाने और कठिन परिस्थितियों को गरिमापूर्ण ढंग से संभालने में किसी की मदद करते हैं। इनमें कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, काम के प्रति ईमानदारी, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, नेगोशिएशन, समस्याओं के समाधान सुझाना आदि तो प्रमुख हैं ही। सहनशीलता, लचीलापन, सहानुभूति, सहिष्णुता और कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना आदि गुण भी शामिल हैं। इनके अलावा खुद को अपग्रेड करने की क्षमता को भी सॉफ्ट स्किल्स में ही शामिल किया जाता है। बदलते वक्त में सॉफ्ट स्किल्स न केवल नौकरी पाने बल्कि नौकरी में बने रहने के लिए जरूरी योग्यताओं में शुमार हो चुकी है। दरअसल जो भी नियोक्ता है मानते हैं कि कर्मचारियों को हार्ड स्किल्स में तो ट्रेनिंग के जरिए सुधार लाया जा सकता है, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स संवारना किसी भी कंपनी, किसी भी विद्यालय, किसी भी महाविद्यालय की बस की बात नहीं होती। हर व्यक्ति को खुद ही संवारना पड़ता है। इसलिए किसी भी करियर के लिए खुद को तैयार करने या करते समय जरूरी सॉफ्ट स्किल्स पर भी ध्यान देना चाहिए। आज के दौर में एक योग्य पेशेवर को कौन सी सॉफ्ट स्किल्स खुद में विकसित करनी चाहिए, इसके बारे में एक एक पॉइंट करके हम बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ अपनी बात कहने की कला ही नहीं है, इसमें बात कहने के साथ साथ दूसरों की बात ध्यान से सुनने, अपने विचार लिखने और उन पर दूसरों की सहमति हासिल करने का गुण भी शामिल होता है। अलग अलग संस्कृतियों और विविधता वाले कार्यस्थलों के आज के दौर में यह सॉफ्ट स्किल करियर में सफलता हासिल करने के लिए बेहद जरूरी है। इसमें महारत हासिल करने के लिए प्रभावशाली ईमेल लिखने, क्लाइंट्स और कलीग से बात करने और किसी भी ऑफिसर या जो भी होते हैं हेड, उनके सामने अपनी बात रखने और आत्मविश्वास के साथ प्रेजेंटेशन देने का गुण विकसित करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टीम प्लेयर। टीम के सदस्यों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए काम करने की क्षमता सब लोगों में नहीं होती है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं अपने आप को ही ज्यादा बड़ा समझते हैं, अपने आप को ही ज्यादा योग्य समझते हैं, तो इस प्रकार वे अन्य सदस्यों को कुछ भी नहीं आंकते, चाहे वे काम कर पाए या नहीं। यूं भी जब टीम के सदस्य अलग अलग विचार और सोच वाले हों, काम के प्रति उनका नजरिया भिन्न हो, तो भी कभी कभार मतभेद होना स्वाभाविक हो जाता है। ऐसे में जो संस्था है कि बेहतरी के लिए सबका एकजुट होकर काम करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इन दिनों उन लोगों की मांग ज्यादा होती जा रही है जो कभी टीम लीडर तो कभी फॉलोअर के रूप में काम करने में सक्षम है। इसलिए टीम की जरूरत के मुताबिक या के अनुसार खुद को ढालने की स्किल सीखना वक्त का तकाजा हो गया है। व्यवहार में लचीलापन अपना कर इसमें महारत हासिल की जा सकती है। यहाँ ये भी कहना उचित है कि कोई भी संस्था हो, कोई भी कंपनी हो, अगर उसे अपने लक्ष्य पर कायम रहना है, यानी कि जहां तक वह पहुंच चुकी चुकी है वहां से ऊपर उठना है और उस स्थान से नीचे नहीं गिरना है, तो टीम प्लेयर की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है। अगर टीम में मतभेद हो रहे हैं तो वह अपने लक्ष्य से गिरने लगेगी तथा दूसरी जो संस्थाएं हैं अथवा कंपनियां हैं इसका फायदा उठाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे फैसला लेना। मशीनें भले ही कितना भी काम करें लेकिन
वे सही गलत का भेद करने और निर्णय लेने में सक्षम नहीं होती हैं। इसीलिए पेशेवर दुनिया में फैसले लेने में सक्षम लोगों की मांग कम नहीं है। कॉरपोरेट में तो शीघ्र और उचित निर्णय लेने वाले लोगों की मांग दिनों दिन बढ़ रही है। निर्णय लेने के लिए सबसे जरूरी गुण साहस है। इसके अलावा व्यक्ति में तार्किक सोच, धैर्य, अच्छी अवलोकन शक्ति जैसे गुण होने आवश्यक हैं। एक अध्यापक के लिए इन गुणों का होना आवश्यक है, क्योंकि वह ना जाने कितने डॉक्टर्स, कितने इंजीनियर्स, कितने अन्य जो भी हैं क्षेत्र, उनमें जाने के लिए व्यक्तियों को तैयार करता है। अतः एक अध्यापक में जब ये गुण होंगे तो दूसरों को भी सिखा सकेगा, यानी कि छात्रों के लिए भी सिखा सकेगा। अगर तो खुद में ही उसमें ये गुण नहीं होंगे तो छात्रों को नहीं सिखा सकता। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे रचनात्मकता। भले ही मशीनें तेजी से काम करने में मदद करती हैं, लेकिन ये रचनात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि विद्यालय में, महाविद्यालय में जब छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है, तो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तथा अन्य बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर इत्यादि, जिनकी सहायता से उनको पढ़ाया जाता है, इसके बजाय उनको सिखाया भी जाता है। दुनिया भर में ऐसे कर्मचारियों की या ऐसे शिक्षकों की मांग बढ़ती जा रही है जो रचनात्मक और नई सोच वाले हों, जिनमें रूटीन से अलग काम करने और नए विचारों को अपनाने की क्षमता हो, लीक से हटकर सोचने की आदत और प्रयोगधर्मिता व्यक्तित्व के रचनात्मक पक्ष को मजबूत कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस से आशय अपनी भावनाओं पर काबू पाने के साथ साथ दूसरों की भावनाएं समझने और उन्हें नियंत्रित करने से है। वर्तमान में सफलता के लिए ये एक बहुत ज्यादा जरूरी, एक तरह से कहें तो स्किल है। इसमें महारत हासिल करने के लिए दूसरों से पहले अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। जैसे अगर कोई टीम का लीडर है या स्टाफ में कोई भी हेड है, कि किसी मेंबर को बात बात पर उत्तेजित होने से रोकना चाहता है, तो पहले उसे खुद को संयमित करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो लीडर है खुद को उत्तेजित होने से तो रोक नहीं पाए और टीम मेंबर्स से शांत संयमित रहने की अपील करे, तो ये असंभव जैसी बात बात हो जाती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि जो संयमितता है उसको बनाए रखे, जिससे कि कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि जिसमें कि मतभेद होने की आशंका हो। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंप्यूटर दिनों दिन स्मार्ट होते जा रहे हैं, इसीलिए उन पर कंपनियों का या किसी भी कार्य की निर्भरता बढ़ रही है। बावजूद इसके भी अभी भी निर्णय लेने और जटिल समस्याएं सुलझाने में सक्षम नहीं है, इसलिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल महत्वपूर्ण हो गई है। इस पर पकड़ बनाने का सबसे अच्छा तरीका समस्याओं का सामना करना और समाधान मिलने पर या मिलने तक उनसे जूझते रहना होना चाहिए। इसके अलावा आत्मविश्वास, स्पष्ट सोच और अपने आप को पहचानना भी इसके अंतर्गत आते हैं। आत्मविश्वास के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास होना बहुत ही जरूरी है। आत्मविश्वासी होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति घमंडी हो जाए, जिसके फलस्वरूप सफलता प्राप्त होने के बजाय हमारे हाथों से निकल जाए। आत्मविश्वासी को हमेशा अपना नम्र स्वभाव रखना चाहिए, क्योंकि उसे कभी भी उसको अपने नम्र स्वभाव को नहीं भूलना चाहिए। नम्र स्वभाव ही उसे सफलता की ओर बढ़ाता चला जाता है। आत्मविश्वासी हमेशा सबकी बातें विचार बड़ी नम्रता से सुनता है और फिर उन पर विचार भी करता है, जो उसके आत्मविश्वास को और बल देते हैं। ये हमेशा नई बातें जानने को उत्सुक रहता है, लोगों से हिल मिलकर रहना चाहता है और स्नेह बांटना चाहता है और स्वयं भी स्नेह चाहता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति समाज में सभी के साथ अपने संबंध मधुर रखता है और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। आत्मविश्वास बढ़ाने की नीति ये है कि जब भी कोई काम किया जाए उसे काम करते हुए डरना नहीं चाहिए। ज्यों ज्यों सफलता मिलती जाएगी आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। आत्मविश्वास से लबालब होने के कारण ही वह प्रत्येक कार्य को बड़े विश्वास के साथ करता है और इसके फलस्वरूप उसे शीघ्र ही सफलता प्राप्त हो जाती है। जो कि अभी एक पॉइंट और बताया था, स्पष्ट सोच।
सफलता प्राप्त करने के लिए स्पष्ट सोच होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए कई बिंदु ऐसे हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे किसी भी विषय के संबंध में जो भी जानकारी या तथ्य मिलें, उनको गलत, सही या अपर्याप्त न माने। सलाह मशवरा कर सही निर्णय पर पहुंचना चाहिए जो सिर्फ आपका हो। फिर भी मन में यदि कोई शंका उत्पन्न हो रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में शंकाएं उठने लगती हैं, तो उसे स्वीकार नहीं करें बल्कि उसे इनकार कर देना चाहिए। यानी कि आपका संतुष्ट होना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कोई भी निर्णय करने में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी ज़रूरी फैसला अधिक समय तक टाला नहीं जाता, परंतु सोच स्पष्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, अतः उसे नुकसान ना होने तक टालना चाहिए। हर संभव प्रयत्न करना चाहिए कि आपको अपना निर्णय लेने में एक रात का वक्त मिल जाए, क्योंकि हम जब भी शांत दिमाग से या ठंडे दिमाग से आराम की अवस्था में निर्णय लेते हैं तो बहुत ज़्यादा उससे सहायता मिलती है और वास्तव में उस समय कार्य सही ही सोचा जाता है। सबके प्रति एक ही विचारधारा या मानसिकता नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि होता क्या है जब हमारे साथ असफलताएं आती रहती हैं या फिर ऐसी घटना घटित हो जाती है जिससे हमारा मन दुखी हो जाता है, तो जो विचारधारा हमारी है या मानसिकता है एक जैसी बन जाती है। जैसे राजनीतिज्ञ एक तरह से सभी कह देते हैं कि भ्रष्टाचारी होते हैं, तो झूठ बोलने से नहीं चूकते हैं, अपने भाषण में भी झूठ बोल देते हैं, या फिर दूसरा कोई भी विभाग है उसके बारे में कुछ कह देना चाहे कह देना व्यक्ति में यानी कि आसानी से व्यक्ति कह देता है। तो ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति एक जैसे होते हों, सब व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, इसलिए सबके प्रति एक जैसी मानसिकता बना लेना ठीक नहीं होता, या फिर अपने किसी पूर्वाग्रह को ही सत्य मान लेना ठीक नहीं होता है। ऐसी सोच से सफलता हासिल नहीं होगी। स्पष्ट सोच होने पर हम उचित निर्णय ले सकेंगे और फिर जल्दी ही सफलता मिलने में कोई संशय नहीं रहेगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज हमने सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जाना जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं। धन्यवाद।